बढ़ते हैं अगली दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि आज जो पहले चरण का 19 अप्रैल को चुनाव होना है, तो वैसे में आज जो है चुनावी शोर जो है वो थम गया है बिहार में। आपको बता दें बिहार में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में मतदान होना है 19 अप्रैल को। ऐसे में जो चुनावी शोर है वो थम चुका है और इन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार और महागठबंधन के प्रत्याशी के बीच चुनावी लड़ाई होगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली है। पहले चरण के लिए पूरे देश में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले 4 जून तक लोकसभा के नतीजे घोषित हो जाएंगे। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक भाई, चुनावी शोर थम चुका है बिहार के अंदर। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का चुनाव होना है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। ऐसे में क्या लग रहा है, टक्कर किन किन के बीच में लग रही है इन चारों ही, बात किया जाए लोकसभा क्षेत्रों की तो? बिल्कुल, देखिए मनीष, की 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं परसों यानी 19 तारीख को, और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और जहां पर आज चुनावी शोर थम गया है और अब तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जो उम्मीदवार हैं या उनके समर्थक वो डोर टू डोर कैंपेन में निकल गए हैं और वो अब घर घर जा करके अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अगर आप बात करें कि किसके बीच टक्कर है, तो अगर बात शुरू करते हैं गया से, तो गया में सबसे पहले जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर खड़े हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका एक लंबा इतिहास है। तकरीबन 40 साल से वो लगातार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गया से जो कुमार सर्वजीत आरजेडी के जो उम्मीदवार है, वो भी उनका भी परिवार काफी पुराना है, उनके पिता भी वहां से राजनीति में काफी एक्टिव रह चुके हैं और कुमार सर्वजीत भी लगातार वहां से नेतृत्व करते आ रहे हैं। हालांकि वो सांसद, वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बतौर सांसद का चुनाव, कुमार सर्वजीत, यानी दोनों प्रत्याशी बतौर लोकसभा सांसद पहली बार चुनावी मैदान में है। लेकिन टक्कर वहां पर कांटे की है और जिस तरह से कहा जाए कि जीतन राम मांझी के जो समर्थक है या जो भी उनके लोग हैं वो यह कह रहे हैं कि अगर आप जीतन राम मांझी को चुनाव जितवाते हैं तो आप सांसद नहीं, आप केंद्रीय मंत्री चुनेंगे। वहीं पे कुमार सर्वजीत का यह कहना है या उनके लोगों का यह कहना है कि ये लोग सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं और हमें मौका दीजिए तो हम लोग समाज के लिए काम करेंगे। अब बात करते हैं औरंगाबाद, औरंगाबाद में एक तरफ जहां सुनील कुमार हैं जो इस बार तीन बार चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार इस बार चुनाव जीतने वाले हैं और वो लगातार वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ में अभय कुशवाहा जो जदयू से विधायक रहे हैं टेकारी से, वो उनको दिया गया। अभय कुशवाहा बगल के जिले से है और उनको अभी नया अनुभव है लोकसभा चुनाव जीतने लड़ने का, तो वहां पर भी एक तरीके से टक्कर है। लेकिन जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसमें अभय कुशवाहा फाइट देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो कुशवाहा समाज का वोट है वो करीब 1.5 लाख वोट है औरंगाबाद में। इसको लेकर के लालू यादव ने उनको टिकट दिया है, लेकिन जिस तरह से चुनावी सभाएं हो रही है और नीतीश कुमार कुर्मी और कुहरी के नेता माने जाते हैं या कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस तरफ है उधर ये वोट टर्न होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने के लिए वहां पर शायद कम ही मिले। लेकिन यह है कि अभय कुशवाहा को टिकट देकर के लालू प्रसाद ने एक एक जो रोमांचक जो लड़ाई है वो कर दिया। अगर बात करें अब नवादा की, नवादा में जो विवेक ठाकुर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी वहां के लिए नया चेहरा है, क्योंकि विवेक ठाकुर का जो ओरिजिन है वो पटना से है, वो सीपी ठाकुर जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे पूर्व में, जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके बेटे हैं और वो राज्यसभा सांसद है, तो विवेक ठाकुर नवादा के लिए बिल्कुल नया फेस है और वो लोकल नहीं है। दूसरी तरफ जो आरजेडी ने टिकट दिया है वो श्रवण कुशवाहा है, श्रवण कुशवाहा वहां के लोकल लीडर है, वो लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हैं। लेकिन बात यहां पर है कि कितना टर्न अप कर पाएंगे आरजेडी के लोग, एनडीए के गठबंधन के जो तमाम जो उम्मीदवार खड़े हैं या उनके जो वोटर्स सपोर्टर हैं वो कितना टर्न हो पाएंगे, उसके बाद ये चीज तय हो पाएगा। अगर बात करें आपको औरंगाबाद, नवादा, जमुई और कहा जाए तो गया की, तो सभी जिलों में जो स्थितियां हैं लगभग जो उम्मीदवार हैं
कई जगहों पर नए हैं, कई जगहों पर पुराने उम्मीदवार हैं, लेकिन जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करना इंडिया गठबंधन के लिए खास करके या आरजेडी के लिए वो मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को खड़े होने की पूरी उम्मीद थी, जब वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े नहीं हुए हैं तो वहां पर एक संगठन में थोड़ी कमी जरूर दिखी है। लेकिन अब जब परसों वोटिंग होगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जब वोटिंग में जब लोग जाएंगे तो उनके मिजाज से भी ये दिखने लगेगा कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और जो चार लोकसभा सीट है उसके परिणाम फिर क्या कुछ होंगे। ऐसे में जो अगर बात की जाए, अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे देखिए कई चीज दिखा रहा है, कई चैनल्स पर अलग अलग सर्वे चल रहे हैं, कई सर्वे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन वहां पर कई लोग तो कह रहे हैं 6 सीट, कोई कह रहा है 7 सीट, कोई कह रहा है 5 सीट। ऐसे में आप लोग भी फील्ड पर हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला सकती है बिहार के अंदर 40 सीटों में? देखिए, अगर 40 सीटों की बात करें मनीष, तो अभी जो स्थितियां हैं उसमें जरूर दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन जो है वो कुछ सीटें लाने की स्थिति में दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनावी समर और तेज होगा और सभाएं जो है उसको लेकर के काफी कुछ असर पड़ता है। आप समझिए कि अभी तक राहुल गांधी एक भी सभा बिहार में नहीं किया है और 19-20 तारीख को कटिहार और किशनगंज में कहा गया था कि राहुल गांधी आएंगे। अब खबर यह आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। खड़गे के आने से बिहार में बहुत इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। राहुल गांधी चूंकि बड़े चेहरा है और कांग्रेस के जो वो लीडर है वो माना जाते हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन खड़गे का प्रभाव से ज्यादा प्रभाव राहुल गांधी का प्रभाव था। लेकिन राहुल गांधी का नहीं आना एक तरीके से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करता है। और खास करके इसी तरह के रवैये से, कहां एक तरफ नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं, अमित शाह लगातार रैली कर रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, आदित्य योगीनाथ आ रहे हैं, नीतीश कुमार अपना चुनावी रथ निकाल चुके हैं, वो अपने अपने हिसाब से चुनावी रथ कर रहे हैं, या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा हैं या चिराग पासवान हैं, सभी लोग आज आप देखेंगे कल के सभा में किस तरह से गया में पशुपति पारस को बगल में बैठा करके नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, यानी कि जो नाराजगी थी उसको दूर की, अश्विनी चौबे से बातचीत की। तो ये एक जो गैप है ना मनीष, ये बड़ा गैप है। कहां एनडीए एक एक सीट पर काम कर रही है, नरेंद्र मोदी तक एक एक सीट पर काम कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री रहते हुए या अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए एक एक सीट पर मेहनत कर रहे हैं। और वहीं अगर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात कही जाए तो मेहनत में ही काफी कमी दिखती है। तो वो अगर मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो परिणाम आपके हक में आएगा या होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरफ जहां लगातार मेहनत हो रहा है और दूसरी तरफ सभा भी करने से राहुल गांधी बच रहे हैं, तो आप इसमें समझ सकते हैं इसका असर, मतलब कहीं इसका असर दिखेगा, इसका असर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भाई चुनावी शोर जो है वो थम चुका है, खासकर बिहार की भी हम बात कर रहे थे तो 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां पर, और जो है चुनावी शोर अब थम चुका है पूरे देश में। जहां पहले चरण का चुनाव है ऐसे में चुनावी शोर अब फिलहाल थम चुका है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।